हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 4.0 की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम में F11 यानी कि फीचर्स के बारे में और F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी कंपनी में टेली सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमें वाउचर एंट्री करने से पहले कुछ फीचर्स जो हमें F11 में मिलते हैं उन्हें हमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनेबल या फिर डिसेबल करना होता है। और वाउचर एंट्री करने के दौरान हमें F12 कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो हमारे F12 से इनेबल या फिर डिसेबल किए जाते हैं। तो हम आज की क्लास में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमें किस कंडीशन में F11 यूज़ करना होता है और किस कंडीशन में हम F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग यूज़ करनी होती है। क्योंकि जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में हमारी कोई रिपोर्ट्स हम देखते हैं, चाहे वो हमारी बैलेंस शीट की रिपोर्ट हो, TDS की रिपोर्ट हो, GST की रिपोर्ट हो, TCS की रिपोर्ट हो, यानी कि किसी भी डाटा को अगर हमें पूरा विस्तार के साथ अगर देखना हो, तब उस कंडीशन में हमें कॉन्फ़िगरेशन का सहारा लेना पड़ता है। और F11 फीचर्स की बात करें तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें वाउचर की एंट्री करने से पहले इनेबल करते होते हैं, तभी हम प्रॉपर सही तरीके से वाउचर की एंट्री कर पाते हैं और एंट्री करने के बाद हम उसको सही तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसकी रिपोर्टिंग को सही तरीके से देख पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप इन सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे भी F11 और F12 में क्या डिफरेंस होता है टेली सॉफ्टवेयर में। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, GST, TDS, इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें इंटरफेस देखने को मिलता है, जो हमारी होम स्क्रीन होती है गेटवे ऑफ टेली के नाम से। तो सबसे पहले अगर बात करें F11 की, तो जैसे हम F11 अगर आप शॉर्टकट प्रेस करो, चाहे आप इस कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको एक फीचर्स का नाम से ऑप्शन दिखाई देगा जिसका शॉर्टकट है F11। तो जैसे अब चाहे आप इस पर भी क्लिक करके हम इंटरफेस करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कंपनी फीचर्स अल्टरेशन, यानी कि आपकी जो कंपनी के फीचर है उसको आप अल्टर कर सकते हो, यानी कि एक्टिव या फिर डीएक्टिव इसको कर सकते हो। तो हो सकता है आपके सामने ये स्क्रीन है कुछ इस तरीके के पूरे फीचर्स आपको नए दिखे, तो हो सकता है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपको मैं बताता हूँ, हो सकता है आपके सामने कुछ ये छोटे से फीचर्स, यानी कि बहुत ही कम फीचर्स छोटी स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से फीचर दिखाई दे रहा हो तो आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शो मोर फीचर्स, यहां पर आना है, इसको आपको यस करना है। देन उसके बाद में शो ऑल फीचर्स पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो ये टोटल जितने भी फीचर्स होते हैं F11 में वो आपको सब कुछ यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे। अब यहां पर टेली सॉफ्टवेयर में इन जितने भी फीचर्स हैं उनको अलग अलग हेड में यहां पर डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने का मतलब, यानी कि ये जो फीचर्स है ये आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर्स रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपने मेंटेन अकाउंट्स करनी है, बिल्कुल करनी है। इनेबल बिल वाइज एंट्री अगर आपने करनी है तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हो। अगर आपको कॉस्ट सेंटर की जरूरत रहती है कंपनी के अंदर तो आप इसको कॉस्ट सेंटर को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। इसके अलावा आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर आप कंपनी के ऊपर करना चाहते हो, कस्टमर के ऊपर या सप्लायर्स के ऊपर जो भी है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। ये आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर्स। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ फीचर्स है जो हमारे इन्वेंटरी के हेड में डिवाइड हुए हैं, जैसा कि आपने इन्वेंटरी भी मेंटेन करनी है, यानी कि कौन सा गुड्स आपने प्रोडक्ट वाइज कितना परचेज किया, कितना सेल किया, उसको आप मेंटेन करोगे, बिल्कुल करेंगे, इसको आप यस रखोगे। आप उसके बाद इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी, यानी कि अकाउंट्स भी होगा और इन्वेंटरी दोनों एक साथ मेंटेन करोगे। अगर आपने इसको नो कर दिया तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको इन्वेंटरी स्टॉक आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, केवल अकाउंट्स ही मेंटेन कर पाओगे। इसके साथ साथ अगर आप इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल की बात करें तो आप यहाँ पर एक प्राइस लेवल सेट कर सकते हो। प्राइस लेवल का मतलब हो गया भी किसी भी कंपनी के अंदर हमें कुछ प्रोडक्ट को क्वांटिटी वाइज अगर सेल करना हो, मान लीजिए किसी हमको दिया भी कोई भी प्रोडक्ट अगर 1 से 10 तक खरीदेगा तो उसका रेट हम उसको 50 रुपये लगाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद में अगर वो 11 से लेकर 20 प्रोडक्ट के बीच में अगर परचेज करते हैं तो उसका रेट हम इसको 45 करेंगे, यानी कि जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी प्राइस उसका लेवल कम होता जाएगा। तो यहां से आप उसका एक लेवल कम कर सकते हो, उस हिसाब से लेवल इसका सेट कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप
कोई प्रोडक्ट ऐसे यूज करते हो जहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग रेट, एक्सपायरी डेट, बैच वाइज डिटेल अगर हमें मेंटेन करनी हो, जैसा कि हम मेडिकल स्टोर पर देखते हैं, तो उसको भी आप यस कर सकते हो। अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है तो आप इनको नो रहने दीजिए। उसके साथ साथ आप इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हो, इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग कर सकते हो, जॉब कॉस्टिंग कर सकते हो, यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस के अंदर लगा सकते हो, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। अगर आप किसी कंपनी को प्रोडक्ट को स्कीम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सेल करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इसको यस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यस कर दिया, यस करने से क्या होगा और नो करने से क्या होगा वो हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो अब टैक्सेशन के अंदर आप देखो, सबसे पहला बात आएगी जीएसटी की। अगर आपकी कंपनी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होती है तो आप उसको यस करोगे, और यस करने के बाद में ये जो हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है, इन्हें सब कुछ हमें यहाँ पर फिलअप करना होता है। स्टेट है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप है, उसके बाद में जो जीएसटी नंबर है, आपकी जीएसटी जो रिटर्न है वो मंथली जाती है, क्वार्टरली जाती है, ई इनवॉइस अगर आपके ऊपर लगता है तो आपको एप्लीकेबल करना होगा। एप्लीकेबल जैसे हम इसको यस करेंगे तो आगे की फीचर और खुल जाएंगे, आपको एप्लीकेबल कब से है, इनवॉइस बिल फ्रॉम आप कहाँ से इसको इनवॉइस को जो इश्यू जनरेट करती हो, ईवी बिल है तो ईवी बिल को भी आपको यस करना पड़ेगा। तो यानी कि ये हमारा जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स है। उसके बाद के अंदर आपका टीडीएस का जो टैक्स अगर एप्लीकेबल होता है, टीसीएस का एप्लीकेबल होता है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। वेट का कोई जिक्र भी नहीं है। इसी तरीके से आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, इनेबल ब्राउज एक्सेस फॉर रिपोर्टिंग। अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपने मोबाइल पे देखना चाहते हो इसको, तो इनको आप कर सकते हो। उसके बाद इनेबल टेली डॉट नेट सर्विस रिमोट एक्सेस, यानी कि अगर आपने अलग अलग ब्रांच के अंदर अगर आपने टेली को यूज किया हुआ है तो दोनों को आप सर्वर के थ्रू, आप रिमोट के थ्रू आप टेली को आपस के अंदर सिंक्राइज जो कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर पेरोल की, तो मेंटेन पेरोल अगर आप करते हो सैलरी के पर्पज के हिसाब से तो आप इसको यस कर सकते हो। जैसे आप अगर आप इसको यस करोगे तो आगे की डिटेल के लिए में बाद में पूछेगा। इनेबल पेरोल स्टेटरी इसको यस करेंगे तो यस करने के बाद में ये सारी जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर फिलअप करनी होती है। कंपनी का कोड, कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड, कंपनी का जो सिक्योरिटी कोड है, इस तरीके से ये सारी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वगैरह जो भी हमारी पेरोल के अंदर जरूरत होती है वो सारे फीचर्स हमें सब स्टार्टिंग में यहाँ पर देने होते हैं। यानी कि ये हमारे फीचर्स हैं जिन्हें हम इनेबल या फिर डिसेबल करने की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ अदर्स की अगर बात करें तो इनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट, शेयर पेमेंट, जो आपने लिंक है कोई क्यूआर कोड अगर आप सेंड करोगे रिक्वेस्ट के लिए, इनेबल मल्टीपल एड्रेस अगर आप, यानी कि अपना जो कस्टमर है उसको एड्रेस जो है सिर्फ गुड्स को और कहीं भेज रहे हो तो आप मल्टीपल एड्रेस यूज कर सकते हो। मार्क मॉडिफाई वाउचर्स, यानी कि जो वाउचर के दौरान अगर आप किसी चीज को मॉडिफाई करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको यस करेंगे। अब ये जो F11 के फीचर्स थे ये अब आपको ये परमानेंटली इस तरीके से दिखते हैं, हमने इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। अब हम यहां पर अगर F12 प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग अलग स्थिति के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हम वाउचर पे चलते हैं, मान लीजिए फिलहाल हमारे सामने ये पेमेंट वाउचर है जो ओपन है। अगर हम पेमेंट वाउचर की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कॉन्फिगर, F12 आप प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री के दौरान जो यूज होने वाले हैं वो जो हमारी सेटिंग है वो यहां पर इनेबल या फिर डिसेबल है, इनको एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं, यानी कि यस नो कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हो भी यूज CRDR इंस्टेड टू 2x ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि अब ये कह रहा है भी आप यहां पर जो वाउचर एंट्री के दौरान जो DRCR ऑप्शन जो यूज करते हो इसको अगर आप 2x के अंदर या x2 के अंदर आप यूज करना चाहते हो तो आपको F12 बटन प्रेस करने और जो फर्स्ट ऑप्शन है यूज CRDR इसको नो कर दोगे तो यहाँ पे आपको DR की जगह y ऑप्शन दिखा जाएगा। यानी कि अब ये 2x के अंदर चलेगा, पहले हमारा DR और CR के अंदर ये वर्किंग होनी थी। और जैसे ही हमने मान लीजिए हमने F18 की सेल ऑप्शन यूज कर लिया और अब यहाँ पर हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे सेल से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अब यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। अब प्रोवाइड बायर डिटेल की जो कस्टमर है उसकी डिटेल अगर आपको देखनी है प्रॉपर तो आप इसको यस कर सकते हो। आप कस्टमर का प्रॉपर डिटेल है जो उसका डिस्पैच ऑर्डर डिटेल एक्सपोर्ट डिटेल सारी डिटेल आप इनवॉइस के अंदर मेंशन करना चाहते हो तो आप इसको यस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारी सेल वाउचर के दौरान जो सेल वाउचर के दौरान जो हमारी जरूरत होती है केवल वो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पेमेंट वाउचर के दौरान आपने अलग देखा,
वाउचर सेल वाउचर के दौरान आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अब इसी तरीके से अगर बात हम करते हैं रिपोर्ट्स की, तो मान लीजिए हम फाइनल रिपोर्ट्स पर चलते हैं, हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, यानी एलटीएफ में डिटेल के साथ कर लिया। तो हम जैसे एफ बैलेंस शीट पे आए और यहाँ पर हम एफ बारह कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है जो वो दिखाई देगी। तो यहाँ आप देख सकते हो भी शो परसेंटेज, आप अगर आप इसको यस करोगे, एक्चुअल अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग बैलेंस अगर आप इसको करोगे डिटेल के साथ देखना चाहिए। मान लीजिए मैंने सभी को यस कर दिया, तो अब आपकी जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। एसेट और लायबिलिटीज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, यानी कि पहले हमारा जो अलग एक कॉलम वाइज दिखाई दे रहे थे, अब ये इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को वापस उसी तरीके से रखना चाहते हो, तो आप F12 बटन वापस प्रेस कर दीजिए, उसके बाद में जो वर्टिकल बैलेंस शीट थी आप इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको एक्चुअल करेंगे तो ये हमारी उसी तरीके से रिपोर्टिंग है जो वापस दिखनी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर परसेंटेज हमने ऑप्शन को यस किया था, तो आपको ये परसेंटेज का कॉलम है जो यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो कुछ ये होती है हमारी रिपोर्टिंग के दौरान। अगर ये बात हम करते हैं कुछ GST रिपोर्ट के बारे में, या हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, F11 के साथ डिटेल ओपन कर ली, और यहाँ F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल थी वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ दिखा रहे शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां आ रहा था शो वर्टिकल में आपकी जो बैलेंस शीट है वो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको यस करोगे, शो करोगे, और आप डिटेल के साथ वर्टिकल अगर आप देखना चाहते हो यस करोगे, तो आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा भी। आपकी सेल ये है, ओपनिंग स्टॉक ये था, परचेज अकाउंट ये हो गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो यहाँ पर आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आ गया। तो अब ये प्रॉफिट का कितना परसेंट है, सेल का कितना परसेंटेज है, तो ये प्रॉफिट भी आपको साथ में दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं अब यहाँ पर अगर आप F11 प्रेस करोगे, तो F11 आपका वैसे ही दिखाई देगा हर वाउचर के दौरान, हर रिपोर्टिंग के दौरान, जो आपने टैली में वाउचर एंट्री करने से पहले आपने जैसे देखा था ना, वैसा का वैसा ही आपका ये बाद के अंदर भी आपको ये दिखाई देता रहेगा। लेकिन F12 कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे जिस रिपोर्ट पे आप होगे, जिस स्क्रीन पे होगे, वहां पर हर मोड पे आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है जो देखने को मिलती है। हम एक बार GST रिपोर्ट पर हम चलते हैं, GST रिपोर्ट पर हम चलते हैं, GST R1 पर गए, एंटर हमने प्रेस किया, और यहाँ पर अगर हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई नहीं देगी जो हमें पेमेंट या सेल वाउचर के दौरान या बैलेंस शीट के दौरान हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। यहाँ पर आपको GST से रिलेटेड वाउचर वो जो दिखाई देंगे भी, शो रिटर्न स्टेटस यस आ जाएगा, वाउचर की काउंटिंग है वो दिखाई देगा, वाउचर काउंट आपको देखने के देखने, इनवॉइस की अमाउंट आपने देखनी है कि नहीं देखनी, तो ये कुछ इस तरीके की आपकी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है जो दिखाई देगा। अगर हम 3B की बात करें तो 3B पर चलते हैं, और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर आप 3B की आपको अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जिस मौके पे हम जिस स्क्रीन पे हैं हम उस स्क्रीन को अगर डेटा को एनालिसिस अगर हमें करना हो, तब हमें F12 कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है डाटा को और ज्यादा विस्तार से के साथ, पूरी डिटेल के साथ देखने के लिए। क्योंकि टैली हमें स्टार्टिंग में कोई भी जो स्टार्टिंग डिटेल है वो हमें पूरा विस्तार के साथ है जो नहीं दिखता है। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, मान लीजिए हम स्टॉक समरी पे चलते हैं, तो हमें फर्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे ना, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ही यहाँ पर दिखाई देता है, क्लोजिंग बैलेंस। अगर हम चाहते हैं भी हमारी टोटल परचेज कितनी थी, टोटल सेल कितनी थी, वो डिटेल अगर हमें देखनी है, तो F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी उसी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी भी। आपको क्वांटिटी आपने देखनी है, अल्टरनेट यूनिट देखनी है, ओपनिंग बैलेंस देखना है, क्लोजिंग बैलेंस देखना है, गुड्स आउटवर्ड भी देखना है, इनवर्ड भी देखना है, टोटल आपने ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटवर्ड की देखनी है, ग्रोस प्रॉफिट आपको आइटम वाइज देखना है। तो कंट्रोल ए अगर हम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल आपकी वाउचर ये डिटेल पूरा दिखाई देगा भी। यहाँ पर आपका ओपनिंग कितना था, इनवर्ड आपने कितना कर लिया, आउटवर्ड यानी कि सेल कितनी कर ली, टोटल आपको इसका ग्रोस प्रॉफिट का मतलब परसेंटेज कितना है, ग्रोस प्रॉफिट हुआ कितना, और आपका टोटल है जो क्लोजिंग है जो कितना बचा हुआ है, क्या रेट से है, कितनी इसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से हमें कॉन्फ़िगरेशन जिस स्क्रीन पर हम अवेलेबल है, जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, उस रिपोर्ट को और ज्यादा डिटेल के देखने के साथ हमें कॉन्फ़िगरेशन है। अगर यहाँ हम F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो F11 में जो फीचर्स के ऑप्शन थे वो अभी आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने शुरुआत के दौरान इसको देखा था। तो आई होप कि आप F11 और F12 के फीचर्स के बारे में और कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई
क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट की रिप्लाई देने की। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।